नमस्कार, YouTube ज्ञान सदाचरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, जो कि आप लोग जानते हैं, इस कमीशन के द्वारा 6 से लेकर 12 तक के जितने शिक्षकों की भर्ती है, इस कमीशन के द्वारा की जाती है। और ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखला रहा हूँ, ये 5/5/2022 का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका असिस्टेंट टीचर के रूप में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया था। इसके मकसद मेरा यह है बोलना कि आप सभी बंधुओं जो स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के हैं, उसमें सही तरीका से सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है और कितनी वैकेंसी है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक बहुत देर हो चुकी है इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के लिए, जो कि आई नहीं है। कितना वैकेंसी रहेगी, किस तरह का नया सिलेबस रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, फीस क्या लगेगी, ये तमाम प्रकार की चीज़ें अभी बाकी है। कारण ये कहीं है जो कि कोर्ट में जो धांधली हुई है उसके कारण से यह इसको प्रभावित किया हुआ है। और दूसरी नंबर है कि कमीशन अभी नया नया बैठा है जो अधिकारी के रूप में, और नया नया जो पैटर्न बनाना है, नया कुछ उनकी रणनीतियाँ हैं किस तरह से पुराने चीज़ों को समाप्त कर नया बनाया जाए, इसको लेकर बोर्ड में बहुत सारे चर्चा हो रही है। फिर भी मैं कहता हूँ कि 2023 तक आपको आशा किया जा सकता है कि स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2005 में शुरू हुआ था, 2007 में शुरू हुआ था ये, और 2016 में शुरू हुआ था ये। तीन बहाली जो शुरू हुई थी ये स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा, RLST ये 2 सालों में लिया था, उसके बाद सेंट्रल लेवल में इसको करके SLST कर दिया। पहले रीजनल लेवल सिलेक्शन टेस्ट के हिसाब से किया जाता था परीक्षा, और उसके बाद रीजनल के हिसाब से अपना अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से उसका चयन हो जाता था। अभी सेंट्रलाइज कर दिया गया है, तो सेंट्रल के हिसाब से जो बहाली होती है 2016 में जो हुई है, जिसमें बहुत सारे गलतियां जो धांधली हुई है वो भी है उसमें सम्मिलित, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं आपको 2016 में जो हुआ है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा, SLST एक नाम दिया था, स्कूल लेवल स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए से सारा टीचरों की बहाली की गई थी, और इस बार भी SLST ही लेगी। किंतु कैसा होगा पैटर्न ये, और सिलेबस क्या रहेगा, कितना फीस लगेगा, ये तमाम प्रकार की ये नोटिस में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं जो हेड टीचर के लिए है वो भी है इसकी वैकेंसी। अब यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस बार 2023 के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, उसके ऊपर मैं बात करूँगा वैकेंसी के ऊपर। और दूसरी है कि आपका सिलेबस जो है, ओल्ड सिलेबस जो आपका हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए वेस्ट बंगाल में, शायद ही कोई ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल होगा जहां पर बतलाया गया हो, लेकिन मैं आप लोगों को जो सिलेबस है ओल्ड सिलेबस उसके ऊपर ही बात करता हूं, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपको बनाए रखना है। आपको तुरंत सिलेबस मिल जाएगा, तुरंत आप तैयारी करेंगे और तुरंत आप अच्छा मेरिट बन जाएगा आपका, ये मुश्किल है। किंतु जो भी है उसके बेस पर तो हमको तैयारी करना है। चेंज होगा तो खूब, कितना चेंज होगा आपका, 40% ज़्यादा से ज़्यादा 50%, पूरा का पूरा तो चेंज नहीं करेगा, इसलिए आपको पुराना सिलेबस को जानना जरूरी है। तो पहले मैं सिलेबस के ऊपर ले चलता हूँ आपको, और साथ साथ मैं ये भी बतलाने वाला हूँ बंधुओं कि जो अभी तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के जो असिस्टेंट टीचर के रूप में जो टेट के लिए आवेदन लिया गया, एग्जाम हो गया, उसका 2023 में नियुक्तियाँ भी होगी। और साथ साथ जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं उनका 2023 तक फरवरी में नियुक्ति मिल जाएगी, फरवरी मार्च के अंदर तक। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ वैकेंसी कितनी रहेगी। साथ साथ ये भी बतला देने वाला हूँ कि हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के लिए कितनी वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। ये जो यहाँ पर भी आया था उसी डेट पर 5/5/2022 को हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस पर, ये जो आप देख पा रहे हैं पेपर कटिंग है, ये आपका आया हुआ था 2 अगस्त को पेपर कटिंग प्रभात का है। मैं आपको इसमें वैकेंसी के बारे में बतला देता हूँ कि वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 24,000 शिक्षक के पद रिक्त है। इनमें कक्षा 9 व 10 यानी माध्यमिक की श्रेणी
में 13,512, कक्षा 11 व 12 यानी उच्च माध्यमिक में 5,327 व प्रधान शिक्षक के लिए 2,300 पद रिक्त है। जानकारी के अनुसार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। एसएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो आप समझ ले रहे हैं कि 13,512 जो है कक्षा 9 से 12वीं 10वीं तक है। ठीक है, और 11वीं से 12वीं के लिए 5,327 और प्रधान शिक्षक के लिए 2,325 पद जो कि रिक्त है, यह जानकारी मिली है। अब आने वाले समय में ये जो वैकेंसी देख पा रहे हैं लगभग आपका इतना ही निकालेंगे सीट। ठीक है, अब अभी के लिए आपकी जो सिलेबस जो बना हुआ है उसकी तैयारियां आपको करते रहना है। सिलेबस आपको मैं बतला देता हूँ बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छी तरीका से। यह मैंने सिलेबस तैयार किया हूँ अपने हैंड रिटन के द्वारा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी नया नया है स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा इस स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट कैसा होता था, जिसके मैंने कितना नंबर किसमें क्या था उसके ऊपर नहीं जानकारी है, तो जान लें। जो जानते हैं फिर भी एक बार जान लें कि हो सकता है कि इसमें कहीं आपका छूटे ना। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूँ पूरा 6th क्लास से लेकर आपका 12th क्लास तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपर प्राइमरी TGT जिसको कहते हैं और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जिसको PGT कहते हैं, ये दोनों का सिलेबस बतलाता हूँ। क्वालिफाइंग कितना होता है, एज लिमिट कितना होता है, इस पर मैं आपको बतला देता हूँ। जो स्कूल सर्विस कमीशन जो है SLST कंडक्ट करवाता है, जैसे प्राइमरी के लिए WBT8 होता है वैसे ही SLST होता है, स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अब मैं पहले प्राइमरी का अपर प्राइमरी का बात करता हूँ TGT का। तो TGT के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप प्री और मेंस दो भागों में बटा हुआ है। प्री और मेंस में पहले प्री का बात कर लेते हैं। प्री में अब WB अपर प्राइमरी टेट के लिए 150 मार्क्स के परीक्षा जो होते हैं अब जो कि पेपर टू सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर है हिंदी इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल स्टडीज या सोशल साइंस जो आपका होता है वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका नया भी अगर होता है तो भी ये वाला टेस्ट आपको देना ही होगा। जो नया अभी बहाली होगी तो उसके पहले एक अपर प्राइमरी का टेस्ट आपका क्लियर है तो वो ठीक है, या नहीं है तो इसका अगर भविष्य में होगा तब आप प्री के लिए प्री का काउंटिंग आप आएंगे। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ। पेपर टू आप जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है हिंदी इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट और 60 नंबर का जो सोशल साइंस या सोशल स्टडी जो आप विषय पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन लेवल में वो होता है। सभी का मान 30-30 करके रहते हैं, 3 विषय में बाकी 60 होता है। ये क्लियर, ये प्री हो गया। और उसके बाद TGT यानी 6 to 8 वेस्ट बंगाल में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो भागों में बांटा हुआ है। दो भागों में क्या क्या बांटा हुआ है, 100-100 नंबर करके बटा हुआ है। ठीक है, 100 नंबर करके बटा हुआ है जो कुल मिलाकर 200 का होगा। कितना का होगा, 200 का। इसमें से पहला 100 नंबर में आपका क्या है कि मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 50 प्रश्न 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद दूसरा है लैंग्वेज ऑन मीडियम, जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं संथाली है या बंगाली है या आपका हिंदी है तो उसके ऊपर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी हिंदी के मीडियम में आप जा रहे हैं तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन ही रहेंगे। तो 50 और 50 मिलाकर कितना हो गया, 100। अब उसके बाद फिर उसी में आ जा रहा है आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट या ग्रुप, जिसमें आपने ऑनर्स पेपर किए हैं उसमें, कोई अगर हिंदी में ऑनर्स किए हैं तो उस सब्जेक्ट का हिंदी आपका 100 नंबर का मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह अगर आप साइंस के हैं तो साइंस, मतलब जैसे कि आप सोशल साइंस के मैथ्स के हैं तो मैथ्स के 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट में आएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका 200 का मेंस होगा और 150 का आपका जो कि पेपर टू जिसको कहते हैं या आप कह सकते हैं अपर प्राइमरी टेट वो होगा। ये तो आपका पहले हो जाता है, इसके बाद ये 200 नंबर का आपको बाद में परीक्षा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या है कि जो नंबर वेटेज बनता है वो मैं वेटेज के ऊपर बात करता हूँ। तो ये प्री और मेंस दो ठो आप क्लियर कर लीजिएगा तब उसके बाद आपका वेटेज बनता है अपर प्राइमरी। अब हम बात करते हैं PGT जिसको हम लोग कहते हैं 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो 9 से लेकर 12 तक के लिए आपको प्री टेस्ट होता है। यहाँ इसमें कोई नाम बोलकर नहीं है लेकिन प्री टेस्ट बोलकर रहता है। प्री टेस्ट में आपका 150 का मार्क्स का होता है, जिसमें से अर्थमेटिक्स है,
25% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके एंड करंट अफेयर से 50% का और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से 25% का, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100% हो गया, यानी कि आपका 150 का क्वेश्चन बनाएगा जिसमें से अर्थमेट्रिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव एंड इंग्लिश, ये मिलाकर प्रीटेस्ट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद इसका फिर मेंस होता है, जो कि मेंस का सेम सिलेबस जो 6 to 8 क्लास के लिए रहता है वैसे इसमें रहता है, ठीक है। 200 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 100 नंबर का वही इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड कम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज और मीडियम प्लस नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप, तो 100 और 100 मिलाकर 200, ठीक है। अब देखिए बंधुओं, यहाँ पर क्या है कि मार्क्स वेटेज में थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। पहले तो टेट ये 6 to 8 क्लास के लिए अपर प्राइमरी टेट और 9 से लेकर 12 के लिए प्री टेस्ट जो होता है वो 150 का होता था, जिसको हुए बोर्ड ने 150 के जगह पर 100 बना दिया, उसको वेटेज मिला दिया 100 में, और जो मेंस है उसको 200 का 200 रखा है। कुल मिलाकर आपका 300 का हो गया, ये 300 का ही ऊपर ही आपका रिटेन का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू का मार्क्स बताया नहीं गया है और मुझे प्राप्त भी नहीं हुआ है कहीं से, अगर आपको होता है तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाता हूँ, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में प्री के लिए क्वालिफाइंग जो रहता है वो तो आप जानते हैं कि जैसे कि पेपर टू सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 60% 150 का अगर ला दीजिएगा तो 90 नंबर होता है, 90 मार्क्स में पास करने से आपका पेपर टू क्लियर, यानी कि अपर प्राइमरी टेट क्लियर। और जनरल के लिए 55% माफ करिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो SC ST OBC फिजिकल हैंडीकेप के लिए 82 मार्क्स लाने पर, यानी 150 का 55% जो होता है 82 लाने से आप पास कर जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में थोड़ा अलग है वो, जो कि बहुत कंसेशन है इसमें। प्री टेस्ट जो होता है 150 का होता है, उसमें से जनरल वालों को 40% खाली लाने से पास कर जाएंगे, यानी कि 60 मार्क्स आपका 150 में आ जाएगा तो हो जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%, ठीक है, यहाँ पर 35% है, तो 35% 150 का 53 नंबर, यानी कि आपका 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो जनरल कोटा के हैं उनको 60 मार्क्स लाना पड़ता है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है उनको 53 मार्क्स लाना पड़ता है 150 में, लेकिन वेटेज बन जाता है उसको 100 बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग के लिए क्या है, टाइमिंग का मान कर रखिए, दो तो पहला पेपर जो होता है वो 2.5 घंटा का होता है, दूसरा जो मेंस पेपर है वो 2 घंटे का होता था, ठीक है। अब इसमें 2 घंटा या 2.5 घंटा मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा मिलता था, ठीक है। अब आपको मैं सिलेबस बता दिया, वेटेज कैसे निकलता है वो बतला दिया, कितना में क्वालिफाइंग होता है वो मैं बता दिया, एज लिमिट क्या रखा गया है, एज लिमिट जो है यहाँ पर 40 साल रखा गया है, ठीक है, 6 से लेकर 12 क्लास का टीचर बनने के लिए जनरल वालों को। और वहीं रिजर्व कैटेगरी में जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनको 45 साल और जो OBC वाले हैं उन्हें 43 साल के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये सिलेबस है जो आप इसके बेस पर अभी तैयार कर सकते हैं अपने को और अपना एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थीगण जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वे BEd पास कर चुके हैं और इस बार के प्राइमरी टेट में भी बैठे थे, तो इस बार मैं चाहता हूँ आप सभी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा जो स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें भी बैठकर अपना एक टीचर के रूप में अपना भविष्य बनाएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।